अखिलेश यादव को JPNIC जाने से रोकने के लिए पुलिस ने बहुत भारी इंतजाम कर दिया है और बैरिकेड लगा दिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर जी हैं। क्या समस्या सर, बड़ी धूप, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या समस्या है, क्या अगर माला चढ़ जाएगा तो क्या दिक्कत समस्या है? समस्या सरकार बताएगी। हमको तो लगता है कि बेईमानों को बचाना, भ्रष्टाचार को छुपाना, जेपी के लोकतंत्र और संविधान में जो विश्वास है उनका, जो उनका आंदोलन है, जो प्रेरणा देता है, उसके खिलाफ सोच रखना और एक तानाशाहीपूर्ण रवैया कि हम पुलिस को लगा के कोई भी काम नहीं होने देंगे। अच्छा काम तो सरकार को करना चाहिए था। आज उनकी पुण्यतिथि है, सरकार या तो सरकार घोषित कर दे। जेपी से कोई पुरानी दुश्मनी रही है क्या बीजेपी की? आप लोग तो पुराने नेता हैं, जानते रहे होंगे, क्या उनको दिक्कत दी थी क्या जेपी ने? जेपी आंदोलन का लाभ तो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने संगठन थे उनको भी मिला। जेपी का आंदोलन तो कांग्रेस के खिलाफ था। तो अगर आज दिक्कत हो रही है सरकार को तो क्या ऐसी समस्या हो गई है क्यों? मुझे तो लगता है कि उनके आत्मा में जो है हिटलर की जो है आत्मा प्रवेश कर गई सरकार की आत्मा में। लखनऊ प्राधिकरण कह रहा है कि वहाँ सांप बिच्छू ज्यादा है, निर्माणाधीन है, इसलिए नहीं जाने दे। प्राधिकरण से पूछिए कि पिछले 10 साल से वहाँ कार्यक्रम होते रहे हैं और उन्होंने ऐसा क्या खराब काम किया कि आज इस स्थिति में पहुंच गया कि वहाँ सांप बिच्छू घूम रहे हैं और LDA VC और उनके सचिव कुछ कर ही नहीं पा रहे। इतने निकम्मे लोगों को क्यों बना रखा है योगी जी ने, क्यों बिठा रखा है? आप लोग कह रहे हैं कि पोल खुलने से डरती है सरकार की, JPNIC के करप्शन की पोल खुल जाएगी, इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं। हम तो कह ही रहे हैं, सरकार खोल दे, जाने दे। आज तो सरकार को खुद कार्यक्रम करना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद जाके माला पहनानी चाहिए जेपी के प्रतिमा पर। उन्हें तो इंतजाम करना चाहिए था कि जो आंदोलन के डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो वहाँ सपा सरकार में बनी है, इतना बड़ा संग्रहालय बना है, उसको दुनिया को देखने देना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है। बर्बाद नहीं हो रही, मुझे लग रहा है इसकी स्थिति खराब करके फिर बेच देंगे अपने किसी दोस्त को और उसे हजारों करोड़ कमवा देंगे। तो क्या है, आप लोग तो आमादा है वहाँ जाने के लिए, लेकिन इस फोर्स के रहते जा पाएंगे आप लोग? देखिए, बैरिकेडों से विचार नहीं रुकते। आज जेपी की मूर्ति पे माला पहना के उनके बारे में चर्चा करके हम उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, जिससे लोकतंत्र और संविधान की जो लड़ाई इस देश में चलती आई वो मजबूत हो, जो पीड़ित शोषित वर्ग हैं उन्हें अधिकारों को, उनके अधिकारों को मिलने का रास्ता प्रशस्त हो। इस सरकार की घटना से और जनता के सामने सरकार एक्सपोज हो रही है और हमारे कार्यकर्ता अलग अलग तरह से अलग अलग जगह उस बात को पहुंचा रहे हैं और यहाँ भी देखते हैं संघर्ष का रास्ता है, वो जारी रहेगा। अगले सवाल, ये जेपी के विचारों का डर है कि अखिलेश यादव का वहाँ जाने का डर है? जेपी के विचार और अखिलेश जी का जाना दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी जाके वहाँ जेपी के विचारों का ही कोई प्रोपोगेट करते, प्रमोट करते, उनकी चर्चा करते। अखिलेश जी जाके वहाँ अपनी जीवनी नहीं सुनाते, वो जेपी के बारे में ही बात करते। तो ये अखिलेश जी का भी डर है और जेपी के विचारों का विरोध भी है। बहुत धन्यवाद। देखिए, उदयवीर सिंह है समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है, वो कह रहे हैं कि सरकार डरती है, वो नहीं चाहती कि जेपी के विचार ज़्यादा फैले, इसलिए ये रोक लगाई गई है और ये बैरिकेडिंग की गई। लेकिन उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ना बैरिकेडिंग से डरते हैं और ना पुलिस से, वो जरूर JPNIC पहुँचेंगे और JP का सम्मान करेंगे।